हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियम लर्निंग्स। अभी इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं टॉपिक, दैट इज अबाउट टीन लिंक्स। अभी हमने बहुत सारे वेब पेजेस में ये देखा होगा कि कहीं कोई बटन हो, उस बटन को क्लिक करने के ऊपर आप किसी और वेब पेज पर चले गए हो। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हुए आपको साइमल्टेनियसली राइट हैंड साइड में आपको सजेशंस आते हैं कि आपको कौन से वीडियो देखना चाहिए या कौन से वीडियो देख सकते हो। जब भी आप किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो तो एक नया विंडो लोड होता है, उस विंडो के ऊपर वो वीडियो प्ले होता है। दैट मीन्स वहाँ पे भी एक लिंक है कि आपने एक वीडियो के ऊपर क्लिक किया और वो डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। उस लिंक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम HTML में, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सब्सक्राइब प्रीमियम लर्निंग्स यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू रिसीव अपडेट्स अबाउट वीडियोस फॉर योर करियर ग्रोथ। हम HTML में लिंक्स को कहते हैं हाइपरलिंक्स। कि एक किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट से या किसी पर्टिकुलर बटन से हम किसी और डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर हाइपरलिंकिंग अ डॉक्यूमेंट। सो वी कैन, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन अ लिंक, इट इज गोइंग टू जंप ऑन अनादर डॉक्यूमेंट, अनादर वेब पेज। सो जब भी हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे हमें किसी और डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो या किसी और वेब पेज को ओपन करना हो, तब हम यूज कर सकते हैं HTML हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। अभी HTML में एंकर टैग के जरिए हम डिफाइन करते हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक का जो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, दैट इज द href। इस href एट्रीब्यूट में हम पाथ देते हैं, हम URL देते हैं जहां पे हमें हमारे HTML वेब पेज को रीडायरेक्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक एग्जांपल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये है हमारा HTML का बेसिक एग्जांपल, दैट इज first.html। यहाँ पे मैं एक हाइपरलिंक इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टैग मैंने लिखा href इक्वल टू http://www.google.co.in, एंकर टैग क्लोज, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट देता हूँ हेलो क्लिक मी। इसको मैं करता हूँ सेव। मैं मेरे वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने वेब पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ है वो इन द ब्लू कलर डिस्प्ले हुआ है और साइमल्टेनियसली उसको अंडरलाइन भी है। तो जब कोई भी टेक्स्ट आपको ब्लू कलर में दिखे और उसके अंडरलाइन दिखे, तो आप ये समझ सकते हो कि वो एक हाइपरलिंक टेक्स्ट है। जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे google.com लोड हो चुका है। तो विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग वी कैन लिंक मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, और हम HTML एंकर टैग से, इस एंकर टैग से हम सेम पेज के अंदर भी हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, उसे लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट। तो इस वीडियो में हमने देखा बेसिक कि हम एंकर टैग को कैसे यूज करते हैं और एंकर टैग के जरिए हम हमारे डॉक्यूमेंट को किसी और डॉक्यूमेंट के साथ या किसी और वेब पेज के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपकी क्वेरी को पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ।